लाइक हैव दे बीन टेपर्ड और व्हाट, कुछ मेडिसिन में कमी आई है आपके? नहीं ओके, सो आप 100% फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब. चलिए, हमारी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है और मैं एक बार फिर से, आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक फॉर द डे इज के द रूल्स टू क्योर. आई एम नॉट सेइंग मैनेज, बट यू विल 100% क्योर योर डायबिटीज, योर बीपी एंड मेनी अदर क्रॉनिक एलिमेंट्स. सो टॉपिक ऑफ द डे इज रूल्स टू क्योर योर डायबिटीज, एंड क्योंकि ये हमारा डायबिटिक कैंप है, और हाइपरटेंशन. सो इन्हीं रूल्स की हम चर्चा करेंगे, एंड आई कैन गारंटी अगर जो लोग इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको 100% अपनी मेडिसिन टेपर करनी पड़ जाएंगी, एंड दे विल ग्रेजुअली इन देयर लाइफ, इफ दे कीप ऑन फॉलोइंग, तो कुछ ही टाइम में उनका जो है बिल्कुल मेडिसिन खत्म हो जाएगा. सो एक मिस्टर कुंतल सेन जी हमारे साथ हैं क्या, जुड़े हुए हैं इस समय? कैन यू हियर मी मिस्टर कुंतल? आई एम नॉट एबल टू सी. अनिल जी हैं, गीता जी हैं, और कुंतल जी नहीं है. नो प्रॉब्लम. सो लेट्स गेट ऑन विद अवर सेशन. तो रूल नंबर वन, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का क्या मतलब है कि सबसे पहले ये जानना कि हम पेशेंट डायबिटीज के हैं भी कि नहीं है, क्योंकि हम डायबिटिक हैं या हमारे को बीपी है, ये हमें कैसे पता चलता है? हम एक ग्लूकोमीटर पे रीडिंग हम देखते हैं, और या फिर हमें कुछ सिम्टम्स होते हैं. तो मैं यहाँ कहूंगी कि हमें जो है सिम्टम्स पर ज्यादा रिलाई करना है रादर देन द रीडिंग. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं डाइट फॉलो करके दे आर फीलिंग वेरी वेरी, देयर एनर्जी लेवल्स आर इम्प्रूव, दे आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर के डॉक्टर साहब हमारा जो है ग्लूकोमीटर में अभी 100 नहीं आ रहा है. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल दोस पीपल इज कि ये जो रीडिंग्स हैं, ये जो गैजेट्स हैं, ये हमारी सुविधा के लिए है. ये हमारे जो हमारे अंदर जो एक डायग्नोस्टिक टूल जो हमारा भीतर बैठा हुआ है, विच टाइम एंड अगेन टेल्स अस तो हाउ यू आर फीलिंग, योर फीलिंग गुड फैक्टर, उसको आप प्राइमरी मारिए मानिए, और उसको अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको कंफर्म करने के लिए यू यूज दीज गैजेट्स. और कॉन्टिन्यूसली अगर आप इस तरफ गैजेट्स और एंशियस रहेंगे तो आपके जो लेवल्स जो हैं वो विदर करते रहेंगे, क्योंकि वो एंजाइटी लेवल टू सी दैट आंकड़ा, टू सी दैट फिगर कि अरे ये मेरा तो अभी तक आया नहीं, तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है. कईयों का ये देखा गया ओवर द इयर्स कि 300 300 शुगर है, बट दे आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. ये कुछ लोगों का ही होता है, अधिकतर का नहीं होता है. लेकिन समझने वाली बात ये है कि हमारे जो भीतर बैठा डॉक्टर है उस पर रिलाय ज्यादा कीजिए. ये जो है ये टेक्नोलॉजी, इसमें जो है 10-20% जो है मार्जिन ऑफ एरर होता है, ये इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं. सो यू जो जस्ट लिसन टू योर बॉडी सिम्टम. अब अपने सिम्टम्स को देखिए, थर्स्ट लेवल, यूरिनेशन, थकावट हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो है डाइट फॉलो कर रहे हैं, वेदर यू आर गेटिंग बेटर. आप कैसे डायग्नोज करेंगे? आपका एक्टिविटी लेवल, एनर्जी लेवल, फील गुड लेवल तो ठीक हो ही गया. आप पाएंगे कि जब आप पहले काम करते थे तो आप जल्दी थक जाते थे, लेथार्जिक फील करते थे, और किसी काम में हिम्मत नहीं होती थी. कुछ स्टेयर्स चढ़ने पर ऐसे ही हार्ट के पेशेंट भी, लेकिन जैसे जैसे आप अगर इस डाइट पर जो हमने प्रिस्क्राइब की है उसको फॉलो करते हैं, तो आप जो है कई मील तक हमने पाया कि हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट जो पहले चल नहीं पाते थे, उनको दिक्कत होती थी, बिना थकावट के घर के काम है जैसे बैग्स कैरी करना शॉपिंग के लिए, तो वो सब उनका जो है पैरामीटर्स दे बिगन टू नॉर्मलाइज. द क्वालिटी ऑफ स्लीप, सो दैट इज द वेरी गुड डिटर्मिनेंट ऑफ योर हेल्थ. हाउ इज योर स्लीप? हाउ इज योर हंगर? सो दीज आर द पैरामीटर्स यू नीड टू लुक ऑन. और लेडीज के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज इट नॉर्मल? सो
look at these parameters, rely on these things more than the gadgets. Okay. Then the next rule is, now you need to know how these natural foods which we prescribe, isme jo top most jo super food jise main kahungi to cure diabetes instant, matlab instantaneously, like usme number 1 pe aati hai green leaves. Agar aap green leaves अपनी डेली लाइफ में, डाइट में इनकलकेट करते हैं विद इन एन आवर, स्पेशली इंसुलिन डिपेंडेंट लोग जो है, एक घंटे के भीतर आपका शुगर लेवल जो है नॉर्मलाइज होना बॉडी के अंदर, वो एक्शन शुरू हो जाता है. और ये लीव्स जो है आपको किस क्वांटिटी में खाना है, जैसे मैंने बताया कि आपका अगर 70 किलो के आपके वजन है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको 70 × 10 इतनी मात्रा तो आपको फ्रूट्स 12 बजे से पहले खाना ही खाना है. और वेजिटेबल सैलड आपका जो है एक मील पे आपका जो है उसका 70 का हाफ 350 ग्राम्स कर दीजिए, तो उतनी सैलड आपको खानी ही खानी है. इसी तरह से आपका जितना बॉडी वेट है अगर उसको ग्राम्स में कर दे, तो उतना अमाउंट ऑफ लीव्स आप नोट कर सकते हैं, ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ, ताकि वंस द कैंप इज ओवर तो यू कैन ऑलवेज सी एंड व्हेन यू फॉरगेट. सो आपका अगर 70 किलो वजन है तो कितनी लीव्स खानी है आपको, 70 ग्राम लीव्स आपको खानी है. अब ये लीव्स कौन सी खानी है, चाहे पालक की, चाहे धनिया की, चाहे पुदीना की, चाहे कड़ी पत्ता की, चाहे कोई प्रकार का दे पान का पत्ता है, जो भी एडिबल पत्ते हैं जो भी आप खा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुरंत आपकी जो है डायबिटीज मेडिसिन खत्म हो, तो धीरे धीरे आपको जो है ये अगर आप इनकलकेट करेंगे अपनी डाइट में. और ये खाना कैसे है, बिफोर एवरी मील आप जो है उस ग्रीन लीव्स का अगर आप चबा चबा के देखिए, इतना टाइम मैं सबका समझती हूँ कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसको चबाने में खाने में, तो इजी वे ये है कि उसकी आप सबको डाल के थोड़ा सा आप एक आध चम्मच दो चम्मच पानी डाल के एक चटनी सी बन जाएगी. उसमें आपको कुछ नहीं डालना है, कोई नमक नींबू कुछ नहीं, खाली वो ग्रीन लीव्स की एक चटनी सी एक कटोरी बन जाएगी आपकी. और वो ग्रीन लीव्स आपको बिफोर मील्स यानी के भोजन जिस समय आप कर रहे हैं उस समय आप पहले वो खाएं, और फिर उसके बाद आप अपना सैलेड वगैरह खाइए, फिर आप अपना जो नॉर्मल मील है वो खाइए. ये आप इनकलकेट करिए और आपको ये तुरंत इसका नतीजा आपके सामने आएगा. टॉप नॉच ग्रीन लीव्स. सेकंड नंबर पे आते हैं वेजिटेबल्स, जो सुपर फूड, आज जिन सुपर फूड्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि आपके शुगर लेवल को नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन टेपर करेंगे. तो नंबर 1 पे मैंने आपको ग्रीन लीव्स बताया और उसकी क्वांटिटी बताई, अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम आपको जो है लीव्स खानी है. नंबर 2 कैटेगरी वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ सैलड्स एंड 3-4 टाइप्स के वेजिटेबल्स, चाहे वो कैरेट, कुकुम्बर्स एंड कैप्सिकम एंड मटर और पत्ता गोभी, और जो भी आप कच्चा खा सकते हैं वो सब्जियां आपके जो है, अगर वजन 700 आपका 70 केजी है तो 350 ग्राम्स आपका जो है सैलेड एक मील में होगा. बिफोर योर मेजर मील आपको उतना सैलेड फिनिश करना है. सो वेजिटेबल्स जो है आपके 4-5 घंटे में आपका शुगर लेवल मेटाबोलाइज करेगी. सी द क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति कह सकता है जब हम उनसे कहें कि भाई आप सलाद खाइए, फिर वो कहेंगे मैं तो जीवन भर फल और सब्जियां खाता आया हूँ, मेरी शुगर क्यों नहीं फिर कंट्रोल हुई. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट टू नोट इज द क्वांटिटी. व्हेन यू विल ईट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, स्प्राउट्स, लीव्स इन द स्पेसिफाइड क्वांटिटी, जैसे कि डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो उसी तरह से अगर ये क्वांटिटी उतनी नहीं खाएंगे तो इट विल नॉट एक्ट एज मेडिसिन, इट विल एक्ट एज फूड. नंबर 3 कैटेगरी आपकी आती है स्प्राउट्स की. आपकी डेली रूटीन में आपके स्प्राउट्स होने चाहिए और ये आपका 7-8 घंटे में आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है.
और ये क्वांटिटी कितनी मूंग के, मोठ के, अल्फा अल्फा, और कई बार सबको दो चार तरह के मिक्स भी करके आप असॉर्ट कर दे कर सकते हैं। और जिनको थोड़ी दांत में प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको कच्चा खाने से गैस बनती है, तो वो हल्का सा 5 मिनट के लिए केवल, ज्यादा नहीं, नहीं तो उसके एंजाइम्स नष्ट हो जाएंगे, जस्ट 5 मिनट्स के लिए उसको कढ़ाई में आधा सा करछी पानी डाल के, हल्की सी हल्दी डाल के भाप में पकाएं, और फिर उसमें आप जो मर्जी अपना सोग्ड पीनट्स डालिए, नारियल डालिए, या आप उसमें कच्ची कोई प्याज टमाटर, व्हाटएवर यू फील लाइक टू मेक इट टेस्टी। लेकिन ये स्प्राउट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वही आपका केजी में जो वेट है उसको ग्राम्स में कर दीजिए। हम 70 किलो का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो स्प्राउट्स की क्वांटिटी आपका जो है 70 ग्राम होगी। ये क्वांटिटी आप जो है अपनी डेली रूटीन में इतना इनकलकेट करें। इसके बाद आती है हमारे स्प्राउट्स के बाद नट्स की बारी। जो नट्स है जिसमें आप बादाम, मूंगफली, काजू, ये सभी के सब जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको भिगो के ही, द सोकिंग टाइम हैज टू बी 5 to 7 hours, तो इनको भिगोना है, उनका पानी ड्रेन कर देना है, और इनको जो है इनकी क्वांटिटी सिमिलरली योर वेट इन केजी जो मैंने बताया उसका जो है इन ग्राम्स कर दीजिए, वो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी नट्स की क्वांटिटी टू टेक इन अ डे, विच इज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 70 kg पर्सन। That means the amount of nuts to be consumed after soaking is 70 grams. और उसके बाद आते हैं हमारे फल। जो फल है daily आपकी routine में फल जो है, और ये अब nutritional science ये prove कर चुकी है कि diabetes के patient को मीठे फलों से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल खोल के mangoes, bananas, जो आपके favorite मीठे फल हैं, क्योंकि फल में जो है fructose होता है जो liver में जाता है, पहले उसमें metabolize होता है, वो अपने आप के ना केवल आपके sugar as glycogen store होता है, बल्कि आपके और जो ब्लड का शुगर है उसको भी मेटाबोलाइज करता है। तो इंस्टेंटली आप पाएंगे कि बेशक आपका इंस्टेंट खाते ही शुगर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपका वो आपका ब्लड शुगर मेटाबोलाइज होगा, आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होगा इन मीठे फलों के खाने से। तो गो अहेड एंड एंजॉय, नाउ इट्स अबाउट टू एंडिंग टाइम ऑफ मैंगोस, so enjoy as much as you can. इसके बाद हम आते हैं कौन से जो foods है वो हमारे, अच्छा fruits की quantity आपको clear है, 70 किलो के person के लिए 700 grams and they are to be consumed before 12 o'clock. अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप खा ले, आप जो है उसको 2 serving में खा लीजिए, या whatever वो आपकी headache है कि आपको 12 बजे से पहले कैसे कंज्यूम करना है। लेकिन याद रखिए जो ये वजन है जो 700 ग्राम्स है वो गुठली और छिलके का निकाल के होना चाहिए, जो एडिबल पोर्शन ऑफ द फ्रूट यू ईट वो उतना होना चाहिए, इतने ग्राम्स होना चाहिए, राइट? अब इसके बाद जो है अगर आप इस डाइट पर रहते हैं तो ये रिसर्च हजारों पेशेंट्स हम देख चुके हैं कि 3 दिन में डायबिटीज की मेडिसिन आपकी जो है बिल्कुल बहुत नीचे आ जाती है, बहुत टेपर करनी पड़ जाती है, बीपी आपका बहुत नॉर्मलाइज होने लग जाता है, आपको उसकी मेडिसिन भी। ये वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको दे रही हूँ, जब आप इस डाइट पर आएंगे तो आपको शुगर लेवल टेपर आपके जो है कम आएंगे, क्योंकि ये जो दवाई है ये फूड नहीं है। अगर इस अमाउंट में आप ये डाइट खा रहे हैं तो ये आपकी मेडिसिन है, तो मेडिसिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करना, और उसके साथ अगर आप मेडिसिन भी खा रहे हैं तो आप हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है, आपका बीपी भी डाउन जा सकता है। तो इसीलिए आपको मेजर करते रहना है, अपना चेक करते रहना है, और अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ योर डायबिटोलॉजिस्ट आप उस मेडिसिन को टेपर करेंगे, इंसुलिन को टेपर करेंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये कि
हार्मफुल फूड्स जो हैं, हार्मफुल फूड्स की कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह आपके डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए और बीमारियों में जो सबसे ज्यादा घातक फूड है वो है मिल्क। अक्सर ये पाया गया कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जैसे बच्चों में हो जाती है, और तो जैसे ही बच्चों को ऑफ द मिल्क करा वैसे ही उनकी नॉर्मलाइज होने लग गई शुगर। इसी तरह से जब आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम, आप जीवन भर दूध पीते आए हैं तो एक हफ्ता भी अगर आप दूध पी के छोड़ के देखिए, आप दूध दही सब ये मिल्क प्रोडक्ट्स खत्म करके देखिए, आपके शुगर लेवल्स, बीपी लेवल्स में, इवन ट्यूमर ग्रोथ में, स्किन डिजीजेस में, ये पाया गया है कि जैसे ही व्यक्ति जो है ये मिल्क से अपना रूटीन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं वैसे ही उनके शरीर पे, उनके स्वास्थ्य में निरंतर उसमें जो है बदलाव और सुधार आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा, अब देखिए, हमारे जो शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो है हमारे बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स का एक केमिकल स्ट्रक्चर है। अब हमारे जो मिल्क हम पीते हैं उसका जो प्रोटीन है, उसका जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स का केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे बीटा सेल्स का है। तो जब हमारे शरीर में ये हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जब हम पीते हैं तो उसका जो प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है और वो हमारा बॉडी जो है उसको, उसके प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तो वो प्रोटीन की चेन एज इट इज हमारे जो है सिस्टम में जाती है। उसे देखकर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा ब्रेन ये मैसेज देता है कि इसे शरीर से बाहर निकालो, बिकॉज वी हैव अ वेरी सुपर फाइन सिस्टम। तो जो चीज हमारे उपयोग में नहीं आ रही बिकॉज द प्रोटीन विच वॉज इन द मिल्क एज द बॉडी इज नॉट एबल टू ब्रेक इट, सो हमारा इम्यूनिटी कहती है उसे शरीर से बाहर निकालो। अब इम्यूनिटी पूछती है कि किसको बाहर निकालूं, तो ब्रेन कहता है कि ये जो चेन इतने चेन्स का और बॉन्ड्स का है उसको निकालिए। अब वो सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे बीटा सेल्स का भी है, तो इम्यूनिटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, तो उस के चलते मिल्क के प्रोटीन के साथ साथ बॉडी जो है, इम्यूनिटी जो है अपने बीटा सेल्स को भी नष्ट करने लग जाती है, विच रिजल्ट्स इन द ऑटो इम्यून डिसीजेस। बॉडी स्वयं को, क्योंकि वो बॉडी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। तो जब तक आप अगर आपको साफ अपने शरीर को रखना है, मान लीजिए कीचड़ में से आए हैं, तो आप कीचड़ साफ करेंगे, फिर आपके ऊपर कीचड़ आ जाएगा, तो फिर उसको धोएंगे, तो आप पूछेंगे भाई मैं कब तक साफ रहूंगा? अरे भाई, जब तक आपके ऊपर कीचड़ आना बंद नहीं होगा तब तक आप कैसे साफ रहेंगे? सिमिलरली ये जो मिल्क द्वारा शरीर में टॉक्सिन जो बना है वो कीचड़ अगर समाप्त नहीं होगा तो आपके जो पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स, वो नॉर्मलाइज नहीं होंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उसके बाद जो कैटेगरी ऑफ हार्मफुल फूड्स है वो है रिफाइंड, हमारे जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि वो फैक्ट्री से होके बहुत केमिकल प्रोसेसेस से गुजर कर हमारे किचन तक, हमारे डाइनिंग टेबल तक आते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड शुगर। वो उसको चमकदार और सफेद बनाने के लिए बहुत केमिकली ट्रीट किया जाता है, और लेकिन फिर जब वो इतना रिफाइंड होता है तो हमारे शरीर को, हमारे बोन्स में से कैल्शियम लेना पड़ता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, और हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है। तो रिफाइंड प्रोडक्ट, चाहे वो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड सॉल्ट्स है, आप सेंधा नमक यूज कीजिए, शुगर की जगह आप स्टीविया बेस्ट ऑप्शन है, नेचुरल है, जैगरी है, हनी है, और इस तरह से आपको बिल्कुल जो चीनी और नमक, नमक की जगह ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, इन सबको, लोहरी नमक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें और भी केमिकल्स होते हैं जो कि मिनरल्स होते हैं इस सॉल्ट में, जो नेचुरल सॉल्ट होते हैं, तो वो हमारे बॉडी में और भी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं इंस्टेड ऑफ द फ्री फ्लो एंड एवरी, बिकॉज उसको फ्री फ्लो बनाने के लिए भी केमिकली ट्रीट किया जाता है। रिफाइंड ऑयल्स हैं। अब आप कोई मुझसे पूछेगा कि भाई हम ऑलिव ऑयल लें, हम ये कॉर्न का ले, या अलग अलग महंगे महंगे, बहुत ये मार्केटिंग वर्ल्ड पूरा कॉन्स्पिरेसी है, हमारे ऊपर निरंतर बम्बार्डमेंट करते रहते हैं और हमें मिसगाइड करते रहते हैं। तो मैं तो कहूंगी सबसे सस्ता तेल ले,
क्योंकि हीट होने के करने के बाद, देखिए जब भी आप कुकिंग करेंगे पहले हीट करेंगे, तो हीट करते ही सभी तेलों का स्वरूप वही हो जाता है। तो आप सरसों का तेल कच्ची धानी का यूज करें, डोंट गो फॉर द मार्केटिंग गिमिक्स एंड गो फॉर द एक्सपेंसिव ऑयल्स। उसके बाद आपको जो है एनिमल प्रोडक्ट्स आर अ सिंपली नो नो। वो ना केवल मांस और ये अंडे और ये ना केवल हमारे अः बॉडी में फिजिकली हार्म, बल्कि हमारे लिए मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी ये गलत प्रथा है। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा, और बॉडी में वो पचने के लिए घंटों 8-8, 10-10 घंटे जो है वो फर्मेंट होता रहता है, सड़ता रहता है, क्योंकि उसको बॉडी गलाने में जो है बॉडी के जूसेस सक्षम नहीं होते। तो इट स्टेज इन द बॉडी और वो फिर गैसेस और इनडाइजेशन और हमारे सिस्टम में पॉइजन्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। तो नो टू एनिमल प्रोडक्ट्स। एंड इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, किसी व्यक्ति का जैसे कि अगर मान लीजिए ब्लड शुगर 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या एक व्यक्ति का 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो विच इज मोर हार्मफुल? सो जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है दैट इज मोर हार्मफुल। और ये हाइपोग्लाइसेमिक उन्हीं को होती है जो ज्यादातर इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जो लोग मेडिसिन लेते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कितने कितने दिनों के लोगों के उपवास चलते थे, लेकिन क्या कोई हाइपोग्लाइसीमिया से मरा? जी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है, ड्यूरिंग द फास्टिंग बॉडी कैसे भी करके उतना मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। लेकिन मेडिसिन्स तो आउटसाइड केमिकल्स हैं, उन्होंने तो जाना है और अपना जो है काम करना है। और ब्लड शुगर लेवल अगर जरा सा भी क्वांटिटी कम ज्यादा होती है तो व्यक्ति जो है हाइपोग्लाइसिमिया, एंड इट कैन लीड टू डेथ। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब जो है अगला पॉइंट जो है हमारा, कुछ लोगों के जैसे जिन लोगों के दांतों में समस्या है या बुजुर्ग हैं, तो उन बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि रॉ आप वेजिटेबल्स खाएं। लेकिन अगर किसी को तकलीफ है तो वो स्टीम कर ले और वेजिटेबल का जूस बना ले, उनको बॉईल कर ले। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा? रॉ में। लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल नीड्स आप जो है उसमें आप बॉईल कर सकते हैं और स्टीम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए उसका फायदा उतना नहीं होगा जितना रॉ का होगा। कुक्ड फूड, आपको कुक्ड फूड का जो अमाउंट है, जो कुक्ड फूड है उसका आपकी डेली रूटीन में क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि जो कुक्ड फूड है वो आपको हाँ एनर्जी देगा। लेकिन जो रिपेरेटिव मैकेनिज्म है, देखिए जो भी व्यक्ति मेडिसिन्स पर है उसको बीमारी है, तो यानी कि उसके सिस्टम में कुछ रेक्टिफिकेशन और रोग है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या है, ऐसा फूड खाना है रॉ फूड जिसमें रिपेरेटिव मैकेनिज्म हो, और वो सबसे ज्यादा होता है रॉ फूड में। तो इसके बाद अब हमें ये बात समझनी है कि डायबिटीज के लिए कितने सारे टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, पीपी, HbA1c और एवरेज ब्लड शुगर लेवल। एवरेज ब्लड शुगर लेवल का फॉर्मूला क्या है? यदि आपको अपने बॉडी का एवरेज ब्लड शुगर देखना है तो आप फास्टिंग शुगर और नाइट का शुगर आप दोनों को उनका एवरेज लीजिए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए। अगर वो रीडिंग 200 या 200 से कम है तो इमीडिएटली आपको मेडिसिन इंसुलिन आपको टेपर करने की जरूरत है। यानी कि जो फास्टिंग शुगर था प्लस जो रात का शुगर है बेड टाइम का, उनको ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, एवरेज निकालिए। अगर वो 200 या 200 से कम है तो आपको मेडिसिन टेपर करनी चाहिए। इस तरह से एक बात और समझने की है आपको कि आपके सारी रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो सबसे ज्यादा रिलायबल आपकी रीडिंग है ये एवरेज ब्लड शुगर रीडिंग निकालने का जो तरीका है, ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, जो अभी मैंने बताया आपको, फास्टिंग प्लस बेड टाइम डिवाइड बाय 2। तो वो अगर 200 या 200 से कम है तो आपको टेपर करनी पड़ेगी मेडिसिन। ये सबसे ज्यादा रिलायबल है।
और सबसे ज्यादा लीस्ट रिलायबल रीडिंग कौन सी है? रमनीक जी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपके ब्लड जो लीस्ट रिलायबल शुगर रीडिंग है वो है फास्टिंग शुगर. फास्टिंग शुगर में 50% ऑफ द पीपल ऑफ द डायबिटिक पीपल उनकी शुगर अक्सर बढ़ी हुई आती है. जैसे रात को 150 है सुबह 250 हो जाएगी. सो इस तरह का डायबिटिक 50% ऐसे सबका नहीं होता, जो डायबिटिक है उनमें से 50% ऐसे होंगे जो कि फिर वो परेशान होते हैं. वो कहते हैं अरे मेरा 250 कैसे आ गया, रात को तो मैं सोया हूँ, खा के सोया हूँ, उसके बाद मैंने रीडिंग ली है, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं, तो मेरी रीडिंग जो है 250 कैसे आ गई. फास्टिंग, तो फास्टिंग शुगर के लिए एक मैं बता दूं कि अक्सर ये भी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि 50% के करीब डायबिटिक्स लोग ऐसे होते हैं जिनका मॉर्निंग का शुगर हमेशा बढ़ा हुआ होता है. सबका नहीं. उसका कारण ये है कि जब हम हमारी बॉडी ये सेंस करती है, हमारा ब्रेन, कि सुबह होने वाली है, ये व्यक्ति उठ के काम करेगा लेकिन शुगर की जरूरत पड़ेगी, तो जब तक ये बॉडी ये असेस करती है कि जब तक उठ के वो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट कुछ खाएगा, उससे पहले उसकी एक्टिविटीज के लिए बॉडी में ब्लड शुगर रहे, तो ब्रेन जो है लिवर को मैसेज देता है कि थोड़ा सा ग्लाइकोजन से शुगर रिलीज करो, ताकि इस व्यक्ति की जो है रिक्वायरमेंट, जो अभी नाश्ता करने में इसको टाइम है तब तक ये कार्य जो करेगा, उसके लिए उसको बॉडी जो है स्वयं एड कर रही है और शुगर रिलीज करके वो शुगर लेवल बढ़ जाता है. उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और उसको हमें रोग नहीं समझना चाहिए. जी विपिन जी का प्रश्न है, अनम्यूट करिए पहले तो. जी मैम, कोकोनट वाटर पहले पी सकते हैं? जी जी बिल्कुल. मेडिसिन से पहले या मेडिसिन के बाद? कौन सी मेडिसिन? डायबिटीज की? हाँ जी मैम, थायराइड की. थायराइड की? आप थायराइड की तो सबसे पहले खानी होती है बिना कुछ खाए पिए, उसका रूल तो ये होता है थम रूल. स्प्राउट कितने ग्राम खा सकते हैं मैम? स्प्राउट्स मैंने कहा आपका अगर 70 किलो वजन है तो उतने ग्राम्स आप स्प्राउट्स खा सकते हैं. 70 ग्राम आपको कंज्यूम करने हैं पूरे दिन में. कैसे भी आप डिवाइड कर लीजिए, एज अ स्नैक टाइम पे, या 11 बजे, 4 बजे, 6 बजे, मिडनाइट, रात को आपको लेट नाइट स्नैक करना है तो आप कभी भी खाइए. जी हाँ, और कुछ? जी आप विपिन जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं? इनके वो लगता है हमारे से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं. सो इतने आपको रूल्स जो हैं मैंने बताए हैं, और सनशाइन आपको लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे ही लो बीपी होता है, यू गो बिलो 70, तो अगर आपका लो ब्लड शुगर है तो आपको तुरंत जो है आपको फ्रूट्स लेने हैं, कोकोनट वाटर लेना है, ये अपने पास हमेशा रखें ताकि आपका जो है लो ब्लड शुगर. और इमरजेंसी में अगर बहुत ज्यादा आपका हाई हो गया है तो तुरंत जो है व्यक्ति जो है थोड़ा ढिलका ढिलका कमजोरी सी उसको महसूस होगी. कई बार क्या होता है कि ब्लड में जो है हाई ब्लड शुगर होता है, तो उस समय पे खाना छुड़वा के कोकोनट वाटर पे हर 40 मिनट पे व्यक्ति को कोकोनट वाटर देना चाहिए. अगर जो है इंसुलिन डिपेंडेंट जो है ज्यादातर, उनका जो है एकदम से कभी शूट अप हो जाता है ब्लड शुगर लेवल, तो उस दौरान क्या करना है, उस दौरान हमें क्या करना है कि उनका खाना बंद करवा के, ऑलरेडी हाई शुगर है तो उनको कोकोनट वाटर एवरी 40 मिनट्स पीना चाहिए और आराम करना चाहिए. इंसुलिन उनको टेपर करनी चाहिए जिनका जो है लो ब्लड शुगर लेवल है. 70 से नीचे जाना इट्स नॉट अ गुड साइन, आपको 70 से ऊपर ही रहना है. डेली डोज ऑफ सनशाइन, और इसके साथ ही आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ. और एक बात याद रखिए कि ब्लड शुगर लेवल बहुत सारी कंडीशंस, जैसे कि जब आप कई दवाइयों पे होते हैं, कोई आप डायबिटीज के साथ यदि कोई और दवाई ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे हैं, डायूरेटिक ले रहे हैं, तो वो मेडिसिंस भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती हैं. अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं अपने डायबिटीज की मेडिसिन के साथ, तो आपका ब्लड शुगर लेवल कैन टेंड टू राइज, और
फीवर में, इन्फेक्शन में, और जैसे जैसे आपकी ओल्ड एज होती जाती है तो शुगर का जो है अपर लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाता है। जैसे यंग एज में आपका 120/80 जो है वो नॉर्मल ब्लड शुगर होता है, लेकिन जब आप 50-60 के ऊपर तो आपका 160/90 या 150/40-90 ये भी आपका जो है उम्र के साथ साथ आपका हाई ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, क्योंकि एज के साथ आपका बीपी जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहेगा। उस समय 120/80 आपका नॉर्मल नहीं है, उससे 140/90 या 150 इस तरह से आपका जो है वो सामान्य बीपी होगा। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है और ये मानने की जरूरत नहीं है कि अरे हम बीपी के पेशेंट हैं, हम मेडिसिन ले। और याद रखिए विंटर्स में बीपी बढ़ेगा हमेशा, सीजन के हिसाब से। जब अगर आपका सर्दी है तो सर्दियों में आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर साइड पे रहेगा। तो इन फैक्टर्स को ध्यान रखना है कि और आपको घबराना नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन। जी 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 नारियल पानी से पहले शुगर की दवाई ले सकते हैं या बाद में ले? नारियल पानी आप कभी भी ले लीजिए, आपका जो मेडिसिन। हाँ, नारियल पानी से आपके शुगर मेडिसिन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी जी, ओके। रमनीक जी अनम्यूट करें अपने आप को। रमनीक जी बताएं। जी हाँ, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें, सुनाई नहीं दे रहा। अनम्यूट, ओके नाउ यस जी। रमनीक जी, वंदनो, आई एम हैविंग सम इचिंग ऑन माय बॉडी, आई डोंट नो फॉर कपल ऑफ इचिंग, या सम टाइम देयर आर इचिंग इन द बॉडी। आप अपनी डाइट से सॉल्ट हटा दीजिए, जरा सॉल्टलेस डाइट खाइए कुछ दिन। सो आई एम टेकिंग वेरी लेस सॉल्ट। हाँ, और यूज करते हैं सेंधा नमक। क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ाइए। मैंने आपका देखा डिश, जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ प्लीज वो मिनिमम क्वांटिटी है, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं। और बाकी इचिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 1 liter ऑफ वाटर और उसमें 1/2 kilo नीम का पत्तियां डाल के उसको बॉयल करके 1/2 kilo तक उबाल लें। जब वो 1/2 kilo रह जाए, 1 किलो पानी 1/2 kilo नीम, और जब वो बॉयल करके 1/2 रह जाए वो आपका पानी तैयार हो गया। जब फाइनल रिंस आप नहाने में करें तो वो पानी आप उस बाल्टी में डालें, 1 बाल्टी पानी में, और वो फाइनल रिंस से आप नहा लें। और उसके बाद जो है तो ये नीम का प्रयोग शुरू कर दीजिए और पत्तियों का प्रयोग करें। जो भी इचिंग वगैरह है आप लीव्स का सब लोग प्रयोग करें प्लीज। लीव्स की चटनी मैंने अभी तक नहीं देखी किसी की, तो I want to see, I'm very happy to see, जब मेरे को दिखती हैं अच्छी अच्छी सरोगी जी की डिशेज, रमनीक जी की, गीता जी, very nice. So, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी नए आइडियाज मिलते हैं। वो बस काम के चलते, कंसल्टेशन के चलते वो मैं भूल जाती हूँ पोस्ट करना, बट आई ट्राई टू पोस्ट। आप लोग पोस्ट करिए, आप लोग भी मोटिवेट करते हैं बहुत लोगों को। अभी नहीं करो, अभी ये कुछ दिन के लिए आप अपने शुगर लेवल्स मेंटेन करो, आपकी रीडिंग्स कम आनी चाहिए। आई वॉन्ट यू टू फील बेटर। आपको ये मेडिसिन से मतलब ये ध्यान रखना है, स्वस्थता का रास्ता मेडिसिन छोड़ने के बाद है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि गेट ऑफ द मेडिसिन, चाहिए 15 दिन का कैंप करने के बाद भी इसी प्लान पे स्टिक रहिए और आप पाएंगे। अपने वॉक्स वगैरह शुरू करिएगा, फिजिकल एक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात अपने माइंड को काम करना जो है ना। लाइफ, मैंने पहले भी कहा है कि पास्ट इज हिस्ट्री। हम आधे से ज्यादा समय पास्ट पर सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं, रीलिव करते रहते हैं। वो बीच बीच में आप चीट डे कर सकते हैं, कभी फ्रेंड्स हैं, कभी बर्थडेज हैं, पार्टीज हैं, तो जो लोग रेगुलर जो मैं आपका जो आपने डाइट दिया, प्लान दिया हुआ है, मुझे मोर देन 1 मंथ हो गया लेते हुए। वेरी गुड, बट हाउ आर यू फीलिंग? अगर उसके वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। एंड मेडिसिन में टेपरिंग हुई कि नहीं हुई? That will. Yeah, I reduce my, I not consult with doctor, but I reduce my sugar, means medicine and all. But BP का मैंने बंद कर दिया, I'm not taking BP now, because BP comes in the morning 99/68. Oh, बिल्कुल।
मैंने कहा है कि अगर आप इस डाइट पे आएंगे, अगर आप हटाएंगे नहीं मेडिसिन को, तो आपका जो है बीपी भी नॉर्मल, बिलो नॉर्मल चला जाएगा, शुगर भी बिलो नॉर्मल, एंड दैट इज मोर हार्मफुल. तो यू नीड टू बी वॉचफुल. दैट्स ग्रेट रमनिक जी, कीप ऑन डूइंग दिस, कीप ऑन फॉलोइंग, बिकॉज दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे टू बी हेल्दी. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू जी. और बताए सरोगी जी, आप कुछ सरोगी जी से एक बार बात कर ले पहले. हाँ जी सरोगी जी, बताया कि एवरेज डेली ब्लड शुगर, एवरेज डेली ब्लड शुगर कैलकुलेट करने का कि आप दोनों टाइम का फास्टिंग का और ये पीपी का जोड़ लें, रात का ठीक है, डिवाइडेड बाय टू. हाँ अगर वो 200 से ज्यादा है तो अपने को टेपर करना है. 200 से कम है, अच्छा 200 है या 200 से कम है तो आपको मेडिसिन टेपर करनी ही करनी है. अच्छा ठीक है, सब तो काफी होगा. अच्छा, जी जी, अखरोट खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ खाइए, काजू अखरोट बादाम बहुत अच्छे हैं. और क्वांटिटी मैंने बता दी है, अपने वेट से कैलकुलेट कर लीजिए. मैं जो समझाऊं मैडम, एक तो जैसे जितना वजन है उसका अपने लोग जैसे 1% लेते हैं, मेरा अगर 80 किलो वजन है तो मैं 800 ग्राम फ्रूट खाऊं. यस, मेरा अगर 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम मैं सलाद लूं लंच के टाइम. हाँ एक टाइम, और मतलब दोनों टाइम लेनी है 400 ग्राम. अच्छा. 400 लंच में, 400 डिनर में. आपको लंच और डिनर में, अच्छा डिनर में मैंने दिया है सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल, उसकी जगह आप लंच की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पहले मेडिसिन टेपर कर लीजिए. फिर लंच और डिनर में पहले आपने वही 400 ग्राम सैलेड खाई, उसके बाद रोटी सब्जी सांबर इडली जो आपका कल्चरली जो आपके घर में बनता है, चावल दाल, दालें थोड़ी कम, तो वो आप नॉर्मल डाइट खाइए. लेकिन शर्त ये है कि पहले दो शर्तें हैं कि लंच और डिनर में आपको वो उतना अमाउंट ऑफ सैलेड खाना है, योर वेट इंटू किलोग्राम को वेट इंटू ग्राम्स करके उतनी क्वांटिटी सैलेड इन लंच एंड उतनी डिनर में, और डिनर शुड बी बिफोर 8 PM, रादर 7 बजे तक खाने का कोशिश करें. ये बातें ध्यान रखनी है आपको. जी मैडम, आपको मैं बतला रहा था कि जैसे सुबह पहले उठते ही 2 ग्राम अदरक और 5-6 इसकी तुलसी की पत्ती, वो मैं डेली एकदम रूटीन में ले रहा हूँ. जैसे आपने बताया कि लंच में चटनी 80 ग्राम मतलब ग्रीन लीफ की चटनी, जैसे मेरे 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम चटनी चाहे वो कोई भी पत्ते की हो, कोई भी जो भी हो, वो भी मैं यूज कर रहा हूँ. बहुत अच्छे जी जी. और तो हाँ, तो फर्क वो महसूस हो रहा है. मैं 70 इंसुलिन लेता था डेली, जो वेरी गुड 40 पे तो आ गया हूँ, और मेरे को लग रहा है और कम हो जाएगी. होगी, बिल्कुल होगी. जी जी, ओके वेरी गुड, कीप इट अप. विजया जी कुछ पूछ रही थे. मैं फ्रूट सैलेड खाती है और दूसरा. मैडम अपना वो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, मैं देख नहीं पा रही आपको. जी विजया जी, तो मैं ना खाना दूसरा कुछ खा सकती क्या? हाँ आप जो है जितने ज्वारी का कुछ है, नागली का है, ऐसा अनाज खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं. आपको सबसे पहले, हाँ हाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 12 बजे तक आपको जो है फल खाइए. कितना वजन है आपका? कितना वजन? 70 है, तो 700 ग्राम वजन आप 700 ग्राम फल जो है 3-4 प्रकार के वो आप 12 बजे तक खाइए. ठीक है, उसके बाद आपका लंच टाइम आ जाएगा. लंच टाइम में आपको पहले हरी चटनी खाइए 70 ग्राम, चाहे वो पालक की, चाहे धनिया की, चाहे पुदीना की, कोई पत्ता, जो आप पत्ता खाना है. उसके बाद अपनी सलाद खाइए 300 ग्राम, 350 ग्राम. उसके बाद जो मर्जी खाइए, जो मर्जी अन्न खाइए, रोटी सब्जी जो मर्जी, लेकिन ये दो चीजें खा लीजिए पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले. ठीक है, उसके बाद जो मर्जी खाइए, खुली छूट है चलिए आपको, लेकिन दो चीजें खा लीजिए आप. सलाद आपकी बॉडी वेट इन किलो को ग्राम्स में कर लीजिए, और आपका बॉडी वेट इनटू ग्राम्स जो है इनटू 10. नट्स वो कितना खाने का? नट्स आपका जितना बॉडी वेट है उसको ग्राम में कर दीजिए. 70 किलो है तो 70 ग्राम आपके जो है नट्स हो जाएंगे. 10 रोज के भिगो के आप उसको जो है क्या कहते हैं, काजू है, बादाम है,
और ये मूंगफली, मूंगफली बहुत अच्छी है, मूंगफली आप जरूर भिगो के खाएं। जी जी, और चाहे इसको चाहे आप स्प्राउट्स में भी डाल सकते हैं। अच्छा, और इन नट्स का क्या कर सकते हैं, नट मिल्क भी आपने जो सोक्ड जो तो वैसे ही खा सकते हैं, काजू बादाम अखरोट, और जो आप मूंगफली है उसको स्प्राउट्स में डाल लीजिए, जो आप मिल्क बनाना चाहते हैं तो उसी बादाम को भीगे हुए का आप पानी डाल के और बादाम का दूध बना के उसमें कोई आप आम केला शेक भी बना सकते हैं, या उसमें आप कुछ जैगरी वगैरह डाल के काजू मिल्क बनाइए, बादाम मिल्क बनाइए, और पूरे दिन में अगर आप यही सब चीजें खाएंगे, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने अगर आपको शुगर लेवल आपको करना है। आपका इंसुलिन लेवल आपने कम किया, पहले बताइए मुझे आपका इंसुलिन लेवल आपका अभी कितना चल रहा है? अभी 15 चल रहा है। और आपका आज का फास्टिंग शुगर कितना था? अच्छा, आप मुझे भेज दीजिएगा आप लोग, हाँ आप बता दीजिए फास्टिंग अगर कितना आ रहा है, मुझे ये देखना है, नहीं तो आता है फास्टिंग। उसको 15 से 10 भी कर, कितना 79 आ गया है फास्टिंग, फास्टिंग 79 है जी, तो आप उसको 10 करके देख सकते हैं, इंसुलिन करके देखिए। आफ्टर लंच आपका कितना है, आफ्टर लंच रीडिंग? आफ्टर लंच 199 कल का था। हाँ, तो आपको ये 10 कर देनी है इंसुलिन, 10 कर दीजिए, कम करिए। जी जी जी, चलिए अगला क्वेश्चन कौन पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अनिल सचदेव जी। हाँ बताएं सर, सर अनम्यूट करें, सुनाई नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग, एक मिनट अनिल सचदेव जी। हाँ एक बार अनिल सच, हाँ जी सर बताएं सर, हाउ आर यू सर? थैंक यू जी। ये बताएं वॉलनट्स बगैर भिगोए खा सकते हैं? नहीं, जो भी खाना है भिगो के, 5-7 घंटे भिगो के। जी जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी बताएं, किशमिश? हाँ लेके देख, हाँ भिगो लीजिए, भिगो के खाइए, मॉडरेशन में खाइए, चेक करिए उसका। हाँ अगर या अच्छा ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अभी कोई पूछ रहे थे बीच में, गीता जी अनम्यूट कीजिए। जी बताएं जी। गीता जी यू आर ऑफ मेडिसिन, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज अनम्यूट करें। जी गीता जी अनम्यूट करें, अगर पूछना चाहते हैं कुछ, आपका आवाज नहीं सुन पा रही मैं। चलिए जब तक वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद ऑफलाइन हो गए हैं। और कोई प्रश्न, देखिए आप बस यू शो मी योर कमिटमेंट एंड कीप सेंडिंग मी पोस्टिंग मी योर इन अ टेबल फॉर्म, एंड ताकि मुझे वो पूरा 15 दिन का आपके कैंप का जो है, और सरोगी जी आपका जो रीडिंग का है ना, फास्टिंग का एक कॉलम बनाइए कि ताकि डेली फास्टिंग शुगर मुझे पता चले, डेली पीपी पता चले पोस्ट जो है लंच या डिनर की, और डोसेजेस कैसे टेपर हो रही है वो सीधा टेबल देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इतनी थी अब इतनी हो गई, इतनी हो गई, तो इट विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल गिव मी अंडरस्टैंडिंग। और ये अभी हम कैंप के हाफवे में पहुंचे हैं और अभी इतना आधा रास्ता सफर बाकी है, तो आई वॉन्ट के अब ये जो सफर है, ये जो आखिरी का जो अब हमारा नेक्स्ट चरण जो है, इसमें आई वॉन्ट मोर ऑफ योर कमिटमेंट। जो थोड़ी बहुत आपने अगर कैजुअली अगर फ्लेक्सिबिलिटी डाइट में रखी भी है, नाउ आई वॉन्ट यू टू बी डैम सीरियस, यू जस्ट बी डैम सीरियस अबाउट योर डाइट एंड स्टिक टू द डाइट प्लान, स्टिक टू द, अगर वॉक कर सकते हैं सुबह, आपकी योग हो ही रही है, एंड यू विल फाइंड मार्वलस वंडरफुल अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, that I'll promise, right? So with these words, thank you all and have a very good day and keep on the track. Haan, Anil ji kuch kehna cha rahe kya? Nahin. Bas thank you kehna cha rahe ho. Thank you so much. Ji ji. Aur koi prashn hai? Koi prashn? Sugar 2 ghante ke baad lena hai, thoda 5-10 minute late hota hai, chalta hai. Haan, koi baat nahi. Koi baat nahi, Vijaya ji. Haan. Sarogi ji, kya keh rahe hain aap?
थायराइड के बारे में खाली वही लपेट ही लगाएं या और भी कुछ करना है थायराइड के लिए? जी हाँ, बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया। थायराइड के लिए आप गले पे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन दीजिए, ठंडा गरम सेक। आपने दो बर्तन में छोटे टॉवल्स ले लीजिए, एक में गरम बॉइलिंग वाटर है, एक में सादा पानी है। पहले बॉइलिंग वाटर में आपको तौलिया भिगोना है, दोनों तौलियों के एज पे आप पकड़ लेंगे ताकि आपका हाथ नहीं जले। पानी में डाला, निचोड़ा और फिर उसको गले पे लगाइए, ठीक है। 3 मिनट गरम पानी का तौलिया और 1 मिनट जो सादे पानी का तौलिया है। 3 मिनट्स 1 मिनट्स लिख लीजिए, 3 मिनट्स 1 मिनट, ये साइकिल 3 बार चलेगी। 3 मिनट 1 मिनट 3 मिनट 1 मिनट 3 मिनट 1 मिनट 1 मिनट और चौथी बार चलेगी 3 मिनट और 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट गरम 3 मिनट ठंडा। ये हो गया हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन। इसके बाद आप गले की लपेट बांधिए और आप नमकीन पानी के गरारे कीजिए। सिंगाड़े के मौसम में खूब सिंगाड़ा खाइए, आयोडीन रिच होता है बहुत सिंगाड़ा। और जब सीजन नहीं है तो सिंगाड़े के आटे को आप रोटी के आटे में मिला के आप जो है उसको सिंगाड़े के आटे की रोटी खाइए, तो आपको जो है आयोडीन नेचुरल फॉर्म में मिलेगा, राइट? और कोई गीता जी जुड़ पाए क्या, वो हमसे कुछ पूछना चाह रहे थे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अब ये जो हमारा सेकंड जो लेग ऑफ कैंप है, फर्स्ट लेग हम फिनिश कर चुके हैं, 7 दिन खत्म हो चुके हैं। अब अगले 7 दिन में आई वांट बिल्कुल आपकी मेडिसिन बिल्कुल डाउन आ जाए। विपिन जी बिल्कुल लगे रहें, मुझे शुगर रीडिंग्स भेजिए, अपनी मेडिसिन की भेजिए, जैसे और लोग आप टेबल देखिए ग्रुप में। और प्लीज प्लीज प्लीज, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू ऑल।